नमस्कार दोस्तों, क्या ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी विदेश जा सकता है? क्या वो फॉरेन विजिट के लिए अप्लाई कर सकता है? इसके लिए कौन सी लीव ग्रांट होगी, कौन ग्रांट करेगा, पेमेंट का क्या होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अभी अगर GDS कर्मचारी हैं और फॉरेन विजिट के लिए जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप बने रहें ताकि आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल सके। देखिए दोस्तों, 14 मई 2024 को ये सर्कुलर इशू हुआ, ये GDS सेक्शन का है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसको इशू किया है। और ये फॉरेन विजिट जो है ग्रामीण डाक सेवक के लिए, उनके लिए जो गाइडलाइंस इशू हुआ है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सब्जेक्ट में देखिए दोस्तों, गाइडलाइंस फॉर इशुएंस ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC टू ग्रामीण डाक सेवक्स फॉर अप्लाइंग पासपोर्ट एंड गोइंग अब्रॉड ऑन प्राइवेट विजिट। तो जो भी कोई GDS कर्मचारी अगर है वो प्राइवेट विजिट में फॉरेन जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है वो देखेंगे। देखिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट से स्टार्ट होता है ये वीडियो। द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड, टू अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, देयरफॉर देयर इज नो नीड फॉर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ इशुएंस ऑफ एनी NOC फॉर दिस पर्पज। तो सबसे पहले दोस्तों ये आपको जानना जरूरी है कि जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जाता है ये किसी भी कर्मचारी का, किसी भी एम्प्लॉय का एक फंडामेंटल राइट है ये। तो फंडामेंटल राइट के लिए किसी भी NOC की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देयरफॉर देयर इज नो नीड फॉर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ इशुएंस ऑफ एनी NOC फॉर दिस पर्पज। हाउएवर फॉर विजिटिंग अब्रॉड ऑन अ प्राइवेट विजिट दी GDS वुड रिक्वायर अ सेपरेट प्रायर परमिशन। लेकिन दोस्तों पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए तो NOC की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आपको प्राइवेट विजिट करना है फॉरेन में, फॉरेन ट्रिप में अगर आप जाना चाहते हैं प्राइवेटली, तो उसके लिए आपको जो कंपेटेंट अथॉरिटी है आपके, उनसे परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, सेपरेट प्रायर परमिशन आपको लेनी होगी। अकॉर्डिंगली अ फॉर्म फॉर सीकिंग सच प्रायर परमिशन NOC बाय द GDS एंड SOP टू बी फॉलोड इन सच केसेस बाय डिफरेंट अथॉरिटीज हैव बीन डिवाइज्ड। तो वही दिया है यहाँ पर, क्या उसका SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, परमिशन के लिए क्या क्या कंडीशंस है, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, पेमेंट का क्या होगा, वो सब देखिए इसमें। तीसरे पॉइंट में देखिए दोस्तों, देयरफॉर इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट रिक्वेस्ट फॉर परमिशन फॉर प्राइवेट अब्रॉड विजिट्स मे बी प्रोसेस्ड इन द अटैच्ड फॉर्मेट्स। फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें आपको पूरा फिलअप करना होगा, वो बाद में हम देखेंगे। कंपेटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट रिफ्यूज नो ऑब्जेक्शन फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ GDS विल बी द डिविजनल हेड ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ PS ग्रुप बी। तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए परमिशन ग्रांट करने के लिए, ग्रामीण डाक सेवक मतलब इसमें सभी कैटेगरी आ जाएंगे, BPM या फिर हो ABPM या फिर डाक सेवक, तीन कैटेगरी हैं आपको पता है GDS में। तो उनके लिए जो PS ग्रुप बी के अधिकारी इस रैंक के लेवल के होंगे वही उनको परमिशन ग्रांट कर पाएंगे। इससे बिलो रैंक के जो ऑफिसर होंगे उनको ये पावर नहीं दिया गया है। तो PS ग्रुप बी जो मिनिमम रैंक होगा ऑफिसर का, वही परमिशन ग्रांट कर पाएंगे ग्रामीण डाक सेवक को फॉरेन विजिट के लिए। फोर्थ पॉइंट में देखिए दोस्तों, परमिशन टू गो अब्रॉड टू अ GDS विल बी डिनाइड ओनली इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। दोस्तों परमिशन किस कंडीशन में डिनाई किया जाएगा, मतलब परमिशन ग्रांट नहीं की जाएगी, तो कुछ कंडीशन है इसमें, देखते हैं क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशंस में फॉरेन विजिट के लिए जो परमिशन नहीं दी जाएगी। सबसे पहला है GDS अगर पुट ऑफ ड्यूटी है तो उसको परमिशन नहीं दी जाएगी, ऑब्वियसली अगर वो सस्पेंडेड है तो फिर परमिशन उसको नहीं दी जाएगी। और बी में देखिए दोस्तों, पेंडेंसी ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, अगर उस पर कोई कार्रवाई चल रही है, विभागीय कार्रवाई है, तो उस केस में भी उसको नहीं दी जाएगी, मेजर पेनल्टी है तो उसमें भी परमिशन नहीं दी जाएगी। और अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है दोस्तों तो उसमें भी उसको ये परमिशन ग्रांट नहीं की जाएगी फॉरेन विजिट के लिए। और डी में दोस्तों, पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑन अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय द प्राइवेट पार्टी, परमिशन मे बी ग्रांटेड आफ्टर कंसल्टिंग द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है अगर प्राइवेट पार्टी ने किया है उस पर, तो इस केस में भी परमिशन ग्रांट नहीं की जाएगी। हाँ, अगर वो केस ख़त्म हो जाता है तो अथॉरिटी से कंसल्ट करके उसको परमिशन दे दी जाएगी, लेकिन ये चार कंडीशन है जिस कंडीशन में उसको फॉरेन विजिट की परमिशन नहीं मिलेगी। पांचवें पॉइंट में क्या लिखा है दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। द कंपेटेंट अथॉरिटी वुड ग्रांट डिनाई द NOC टू द GDS विद इन 21 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी। तो जो एप्लीकेशन कोई ग्रामीण डाक सेवक अगर देता है परमिशन के लिए, तो उसके 21 दिनों के अंदर NOC ग्रांट कर दी जाएगी, या कहिए कि परमिशन दे दी जाएगी, 21 दिनों के अंदर उसको दे देना है। अगर 21 दिनों के अंदर कोई परमिशन या फिर NOC सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है अधिकारी द्वारा, तो मान लिया जाएगा कि परमिशन उसको ऑलरेडी ग्रांट की जा चुकी है। सिक्स्थ पॉइंट में देखिए दोस्तों, वाइल इशुएंस ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दी फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी केप्ट अंडर कंसिडरेशन। जो NOC है इसको ग्रांट करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखना है NOC ग्रांट करते समय, तो वो यहाँ पर दिया गया है। ए में देखिए, That no leave for going abroad should exceed the period of 90 days. 90 दिन से ज़्यादा अगर कोई चाहता है फॉरेन विजिट तो वो इस केस में NOC ग्रांट नहीं होगी। 90 दिनों से कम का अगर लीव है तभी उसको ग्रांट की जाएगी NOC। बी में देखिए दोस्तों, दैट इन केस आफ्टर इशू ऑफ द NOC एनी डिसिप्लिनरी केस क्रिमिनल केस इज इनिशिएटेड। दोस्तों NOC ग्रांट होने के बाद अगर कोई केस आ जाता है
या फिर कोई प्रोसीडिंग्स आ जाती है, अनुशासनिक कार्रवाई होती है किसी कर्मचारी पे, या फिर ग्रामीण डाक सेवक एनओसी के बाद पुट ऑफ किया जाता है, तो ऐसे केस में जो एनओसी होगा उसको कैंसिल माना जाएगा और इसके लिए जो लीव भी ग्रांट हुई थी उसको भी अथॉरिटी द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद सी पॉइंट में दिया है दैट इफ़ GDS फेल्स टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटीज आफ्टर द पीरियड ऑफ सैंक्शन लीव इज ओवर फॉर विच एनओसी वॉज इश्यूड द कंपेटेंट अथॉरिटी मे टेक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अगेंस्ट द GDS। दोस्तों जितने दिनों के लिए एनओसी ग्रांट की गई है अगर उससे ज़्यादा ग्रामीण डाक सेवक टाइम ले लेता है, रिपोर्ट नहीं करता है, तो इस केस में उस पर उस कर्मचारी पर एक्शन लिया जा सकता है। और डी में देखिए दोस्तों दैट इफ़ GDS गोज अब्रॉड विदाउट सीकिंग एनओसी और इन केस ऑफ फेलियर टू रिज्यूम ड्यूटीज़ ऑन कंप्लीशन ऑफ 90 डेज, मतलब 90 दिन, हमने देखा कि 90 दिन मैक्सिमम उसको दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई ग्रामीण डाक सेवक 90 दिनों से ज़्यादा रह गया या फिर विदाउट एनओसी वो चला गया, बिना परमिशन के वो विदेश चला गया फॉरेन विजिट के लिए, तो उसका जो पोस्ट है जिस पोस्ट पर भी था वो टर्मिनेट माना जाएगा, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। पीरियड होगा जितने दिन के लिए वो फॉरेन विजिट गया है बिना परमिशन के, उसको ऑफ ड्यूटी माना जाएगा दोस्तों। और जो TRCA है, जो टाइम रिलेटेड कंटिन्यूड अलाउंस जिसको बोलते हैं हम, सैलरी बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवकों को, वो भी नहीं दी जाएगी। और जो एक्स ग्रैटिया अमाउंट है जो सैलरी के अलावा मिलता है वो भी उसको नहीं दी जाएगी। उसका जो पोस्ट है उसको वैकेंट माना जाएगा और नेक्स्ट वैकेंसी में उसको फिलअप कर दिया जाएगा। दोस्तों एक डाउट आपके मन में होगा सैलरी को लेकर, तो दोस्तों इसमें जब लीव ग्रांट हो जाएगी 90 दिन या 90 दिनों से कम की, हमने देखा था कि 90 दिनों से कम की ही लीव ग्रांट होगी, तो इस केस में सैलरी आपको दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि सैलरी आपको नहीं दी जाएगी। और इसमें इस लेटर में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि जो 90 डेज लीव होगा वो किस टाइप का लीव होगा, तो हो सकता है ये फॉरेन विजिट का लीव हो, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसमें सैलरी आपको दी जानी चाहिए। बाकी इसमें कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि सैलरी रुकेगी या सैलरी दी जाएगी, तो मेरे ख्याल से अगर परमिशन ग्रांट हो गई है तो सैलरी आपको इसमें 90 दिनों के लिए फुल मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।